ये रूटेड हो तो भी ये वर्क करेगा, नॉन रूटेड हो तो भी वर्क करेगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरा फ़ोन जो है नॉट रूटेड है, क्योंकि मैं जो ये वीडियो डाल रहा हूँ ये नॉट रूटेड डिवाइसेस के लिए डाल रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, WPA टेस्टर को खोलना है। वाईफाई इज़ ऑलरेडी इनेबल। इस ऐप में एडवर्टाइजमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आती है तो ये काफ़ी अनॉइंग है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे वाईफाई हैं, तो ये जो रेड है आ रहा है इसका मतलब है कि ये इनको क्रैक नहीं कर पाएगा, और जितने भी ग्रीन आ रहे हैं तो ये वो हैं कि शायद ये इनको क्रैक कर ले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो 50% होती है। तो मैं सबसे पहले आपको कौन सा करके दिखाऊँ, 600 ही करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी नेटवर्क स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है। अब इसमें है करेक्ट ऑटोमेटिक पिन, कस्टम पिन, मैनुअल पिन। तो सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है, मैनुअल पिन्स। तो मैनुअल पिन्स ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले सबसे लास्ट वाला ट्राई करता हूँ। देखिए कनेक्शन फेल्ड, रॉन्ग पिन लिखा आ रहा है, देर इज़ ए मैक फिल्टर। ये भी हो सकता है कि आप जिसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसने मैक फिल्टरिंग ऑन की हो। अब मैं सबसे पहले वाला पिन ट्राई करता हूँ। आपको बस थोड़े पेशेंस रखने हैं, क्योंकि कभी कभी ये 15 मिनट्स भी लगा देता, 5 मिनट्स में भी कर देता है, 2 मिनट्स में भी कर देता है, क्योंकि ये पिन ट्राई कर रहा होता। देखिए ये आ रहा है कि कनेक्शन फेल्ड, रॉन्ग पिन, बट आपका वाईफाई इसने क्रैक कर दिया। अगर आपका फ़ोन रूटेड होता तो आपको यहाँ पे पासवर्ड शो करता, लेकिन ये पासवर्ड शो नहीं करेगा। अब देखिए D-Link DIR 600M, ये आपका कनेक्ट हो चुका है। और अगर आपको जानना है कि आपका जो पासवर्ड है क्या, तो आपको फ़ोन रूट करना पड़ेगा, या फिर मैं पहले आपको दिखा दूँ मेरा फ़ोन नॉट रूटेड ही है। अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उस वाईफाई का पासवर्ड भी निकालें। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाली है, जिसका लिंक मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ ये कार्ड में। और एक और तरीका है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये वर्क करता है, कि आप उनकी आईपी में जाके, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ उनके आईपी में, उसके आईपी में जाके उनके वायरलेस पे क्लिक कीजिए। D-Link में नेटगेयर की अलग आईपी होती है, और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी अलग होता है। D-Link का ज़्यादातर एडमिन होता है और पासवर्ड खाली होता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो पासवर्ड है वो है nana@1234। सो आपका वाईफाई हैक भी हो गया, आपको पासवर्ड भी पता लग गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दबाएं, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप अपने सजेशन देना चाहते हैं मुझे तो भी आप कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।